आप बोल सकते हो या फिर बेंजीन के डेरिवेटिव मैंने यहाँ लगा दिया सी एस थ्री तो ये क्या हो गया आपके पास टोलोइन ये भी क्या होगा अरिन होगा अगर मैं मोनो डायरिवेटिव की जगह अगर मैं डेरिवेटिव लिखूं तो ये सब क्या होते हैं आपके पास अरिनस होते हैं अरिन मोस्ट स्टेबल होते हैं अच्छी स्टेबिलिटी होती है ड्यू टू एरोमेटिसिटी एरोमेटिसिटी होने की वजह से ये क्या होते हैं मोस्ट स्टेबल होते हैं सेकेंड थिंग इनमें रेजोनेंस पॉसिबल होता है मतलब कि इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी पॉसिबल होती है थर्ड थिंग यहां पे आप देखोगे जब आप रेजोनेंस कर रहे हो तो क्या कर रहे हो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन ये होते हैं आपके पास क्या पाई बोंड और इनमें प्रेजेंस इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन स ग्रेटर स्टेबिलिटी डीलोकन ऑफ पाईलेक्ट्रॉन एंड रेजोनेंस तो क्या है इसकी प्रॉपर्टी है हमें बताना है कौन सी इसकी कॉम्पेक्टेबल है मतलब की प्रॉपर्टी नहीं है देखो रिएक्शन एरि आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं ये देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अगर मैं एक एल्कीन को लेकर बात करती हूँ तो एल्कीन पर अगर हम HX का एडिशन करवाते हैं तो क्या होगा ये एल्कीन आपके पास एल्कीन में कन्वर्ट होगी और ये आपके पास कुछ इस तरीके से बनेगा अगर मैं यहाँ पे एरीन लेती हूँ अगर मैंने यहाँ पे एरीन लिया तो यहाँ पे जब एच का एडिशन करोगे ना तो क्या होगा जब हम एडिशन रिएक्शन करते हैं तो एल्कीन एल्कीन में कन्वर्ट हो जाती है तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनना चाहिए ध्यान से देखोगे एरोमेटिसिटी ऑफ रिंग हो गई दैट ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है इसलिए अरिंस क्या करते हैं आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देते हैं तो इस सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में कोई भी एक हाइड्रोजन आइटम रिप्लेस हो जाता है इस हाइलोजन से और यहाँ पे कुछ कंडीशन के थ्रू यहाँ पे आपके पास सब्सटीट्यूशन रिएक्शन आकर होती है दैट मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये नहीं दे पाते हैं ये देते हैं कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा होप इट देल बेस्ट ऑफ लक